हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए मसाला स्वीट कॉर्न लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, आप इसे अवश्य बनाइएगा। देखिए कैसे बनाए जाते हैं। हमने एक स्वीट कॉर्न ले लिया है, इसके हम छिलके हटा देते हैं। हमने ये जो स्वीट कॉर्न है इसका छिलका हटा दिया है। अब हम इसे उबाल लेंगे, कुकर में रखेंगे पकने के लिए। अगर हम इसके दाने ऐसे निकालते हैं कच्चे स्वीट कॉर्न के, तो अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, तो हम उबाल के निकालेंगे दाने। भुट्टे उबालने के लिए हमने ये कुकर ले लिया है। इसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया बॉडी में, और ये प्लेट रख ली है। आप चाहे तो जाली रख सकते हैं। और ये मैंने एक पॉट लिया है और उसमें भुट्टे रख लिया है। मैंने दो टुकड़े कर लिया है भुट्टे के। आप चाहे तो बॉडी में डायरेक्ट भी भुट्टे डाल के पका सकते हैं, लेकिन भुट्टों में खूब पानी पानी हो जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से पकाती हूँ। अब ढक्कन बंद कर देते हैं। हमने ढक्कन बंद कर दिया है और 3 सीटी आते तक पकने देंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए सिम पे कर लेंगे। देखिए हमने ये उबाल लिया है कुकर में, 3 सीटी होने दिया, उसके बाद में 5 मिनट तक सिम पे रखे थे। और जब कुकर ठंडा हो गया तब हमने निकाल लिया है। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे स्वीट कॉर्न, तब इसके दाने निकाल लेते हैं। भुट्टो को उबाल लो तो बहुत आसानी से दाने निकल आते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इसी तरह से हम निकाल लेंगे सारे दाने। देखिए हमने दाने निकाल लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई रख लिया है और 1 टीस्पून बटर डालेंगे इसमें। अब हम ये कॉर्न डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस इसे हमें गरम करना है बटर के साथ में। देखिए गरम हो गए हैं। अब हम इसमें चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार डालिए। हाफ टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। फ्लेम बंद कर देते हैं। और एक नींबू का रस है, ये इसे डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारे मसाला कॉर्न तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे मसाला स्वीट कॉर्न कितने झटपट बनकर तैयार हो गए हैं। ये जब मॉल में हम जाते हैं मूवी देखने के लिए या ऐसे भी, तो आप देखिए ये कॉर्न कितने महंगे मिलते हैं, और हमने ये घर पे बनाया है, बहुत ही कम लागत में बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरह स्वीट कॉर्न बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।